हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीना और आज हम KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। उसे अच्छे से धोकर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब आधे घंटे के बाद हमने ये एक अंडा लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और दूसरे एक बाउल में हमने 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक उसमें 1/2 टीस्पून डालकर, हमें पानी डालकर मैदे का अच्छे से इस तरह से घोल बना लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और देखिए, अब हमने ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन लेना है, उसे अंडे में इस तरह से हमें डीप कर लेना है। फिर हमें इसे मैदे के घोल में भी इस तरह से डीप कर लेना है और फिर इसे ड्राई मैदे के आटे में भी इस तरह से हमें इसे कोट कर लेना है इस तरह से। अगर आप और भी ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसे वापस से एक बार इस प्रोसेस से हम कर लेंगे, लेकिन मैंने ये सिर्फ एक ही बार इस प्रोसेस से कर लिया है। इस तरह से देखिए, इसकी लेयर अच्छे से खुल जाती है। अगर आप चाहो तो ही दो बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं, या एक बार भी अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी चिकन बनता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे चिकन को कोट कर लिया है और अब हमने तेल भी गरम कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर खुली है और फ्राई करने के बाद ये और भी खिली खिली और क्रिस्पी लेयर हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल बिल्कुल रेडी है, गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ये सारे चिकन पीसेस एक एक करके इसमें इस तरह से डाल देंगे और अब देखिए इसे पलट देंगे। ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल KFC के जैसे ये क्रिस्पी चिकन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी क्रिस्पी लेयर खुली है, देखिए। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके क्रिस्पी चिकन की रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।